एवरीवन, लेट्स स्टार्ट इट विद अवर सब्जेक्ट साइंस फॉर क्लास एट। दिस इज अवर चैप्टर नंबर 11, दैट इज फोर्स एंड प्रेशर, एंड दिस इज अवर वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर बेटर, लेट्स डू वन एक्टिविटी टू मेक इट बेटर अंडरस्टैंड। यू ऑल जस्ट डू अ आर्म रेसलिंग as you do in your previous time or so, arm wrestling with your partner. This is our activity. इस activity में हमें अपना सिर्फ one hand use करना है and दोनों partners अपना one hand use करेंगे। अपनी जो elbow है उसे even surface पर रखते हैं और दोनों हाथ को दोनों का opposite hand रहेगा, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। दोनों का सेम हैंड है पर और चूँकि वो अपोजिट में बैठे हैं इसलिए वो अपोजिट में पास आउट हो रहा है। अब हमें पोजीशन चेंज किए बिना, एल्बो की पोजीशन चेंज किए बिना एक दूसरे को पुश करना है, और ये कब तक चलेगा? जब तक किसी एक पार्टनर का जो हाथ है वो सरफेस को छूना भी। तो ये थी हमारी छोटी सी आर्म रेसलिंग वाली एक्टिविटी, जो आप लोग पहले भी कई बार कर चुके होंगे, और ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड भी है, इसलिए मैंने आपसे ये बात करने के लिए कहा। सो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? तो हम एक्चुअली में जब हम आर्म रेसलिंग करते हैं, अपने पार्टनर के आर्म को डाउन करने की कोशिश करते हैं, पुश करते हैं, तब हम एक्चुअली में क्या करते हैं? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? सो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पार्टनर की आर्म है उसको डाउन करने के लिए पुश करते हैं, और जो हम पुश कर रहे हैं तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और दोनों यही काम करते हैं, दोनों ही फोर्स अप्लाई करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। ओके, अब दोनों पार्टनर्स में से जिसका फोर्स ज़्यादा होता है वो अपने अपोजिट पार्टनर का आर्म डाउन करने में सक्सेसफुल हो जाता है, और वही क्या होता है, जीत जाता है। तो यही थी एक फोर्स के बारे में कि जब हम किसी भी चीज़ को पुश करते हैं तो वहाँ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब जब दोनों सर्फेसेस साथ में फोर्स लगा रही है तो जिसका फोर्स ज़्यादा होगा वो काम हो जाएगा, और जो अपोजिट टीम रहेगी वो हार जाएगी। वहीं पे हम ये एक स्लो मोशन की पिक्चर है जिसे हमने अबाउट 80 टाइम्स स्लो करा हुआ है। इसमें क्या हुआ, ये है एक बॉल को किक करने, मतलब फुटबॉल खेल रहे थे कुछ व्यक्ति, तो जब उन्होंने बॉल को किक करा तो क्या हुआ, एक फोर्स अप्लाई किया, किस पे, अपने लेग से बॉल पे। फिर जो एक्शन है किकिंग की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉल पे। बॉल तो पहले स्टेबल थी, जब गेम स्टार्ट करेंगे तो बॉल स्टेबल रहेगी, हमने उस पे फोर्स अप्लाई किया, किक किया, और वो फोर्स जो है वो बॉल पे गया, जिसकी वजह से जो बॉल है वो मूव करेगी। अब जो बॉल में जो मोशन है हमारे किक मारने के बाद, तो वो क्या कहलाएगा, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। वो किसकी वजह से हो रहा है, जो फोर्स हमने अप्लाई किया उसके इफ़ेक्ट में मोशन हुआ। ठीक है, जब भी हम इनर फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स देखने को मिलेगा। जैसे ये बच्चे ने बॉल पे फोर्स अप्लाई किया, और अगर उसका जो फोर्स अप्लाई था वो बहुत ज़्यादा अधिक था या एकदम सही मात्रा में था, तो वो बॉल मूव करेगी, जैसे कि सेकंड में आपको दिखाया कि बॉल मूव कर रही है। तो फोर्स हम अप्लाई करेंगे, और अगर जो इनफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट पे इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स आएगा। वहीं हम देखते हैं कि नाव में अधिकतर लोग बैठे ही होंगे, तो आपको क्या लगता है, इस सिचुएशन में फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है?
और इस फोर्स मतलब इस सिचुएशन में फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, क्या कोई सोच सकता है? जो भी है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इसके बारे में क्या सोचा था। अब मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका। तो जब भी नाव में जो नाविक होता है वो फोर्स लगाता है, तो वो क्या करता है, जो उसके पास पेडेस्ट्रियन होते हैं उसकी मदद से फोर्स लगाता है वाटर में, वाटर स्ट्रीम्स के अपोजिट में, या कभी कभी उसके साथ में चलते हैं, जैसे भी चलेंगे दोनों टाइम पे फोर्स लगेगा। तो जब मैंने अप्लाई किया है फोर्स रोइंग करके, तो जो उसके इफेक्ट से क्या होगा, जो बोट है वो मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट कर रहा है और जो नाव है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स अगर सही लगा था रोइंग के टाइम पे, तो इफेक्ट ऑफ रोइंग आया है और जो बोट है वो मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ पर थ्री एक्टिविटीज देखी, पहले आर्म रेसलिंग देखी, फिर बॉल को किक करने वाली प्रोसेस देखी और फिर बॉट का देखा। तीनों में हमने देखा कि अगर हम सही फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का इफेक्ट होगा और कोई भी काम होगा। थैंक यू, बाय बाय।